ये देखो बस आ रहा है अपने हिसाब से पूरा गर्दा गर्दा कर दिया आप 20 रुपए का पियेंगे। साफ पानी है नहीं? कितना खूबसूरत लग रहा है भाई जिसके लिए निकले थे आखिर वहां पे पहुंच ही गए। मजेदार जगह। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बजे हैं सुबह के 8 और आप देख रहे हैं अभिषेक सॉरी व्लॉग्स। सो गाइस अभी तो मैं सुबह सुबह उठ के अपने होटल से निकल के जा रहा हूँ मॉल रोड का व्यू देखने। बहुत प्यारा होता है सुबह सुबह। मैं थोड़ा और पहले निकलने वाला था बट लेट हो गया निकलते निकलते, तो चलो अभी भी कोई ज़्यादा देर नहीं हुआ, अभी देखते हैं इस टाइम से क्या नज़ारे आ रहे हैं। सो गाइस ये है मॉल रोड आपका, सुबह सुबह कभी ऐसा है कुछ यहाँ पर। अभी तो बहुत खाली है, अभी आधे एक घंटे में बहुत भर जाएगा। चलते हैं आगे देखते हैं, सारी शॉप बंद है अभी तो। सो गाइस सबसे पहले तो सुबह की चाय पीते हैं बॉस और उसके बाद से देखेंगे क्या क्या करना है। सो गाइस ये नज़ारे देखो यार, सुबह की चाय और नीचे का व्यू देखो। थोड़ा सा और साइड से आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखो बगल में शायद गुरुद्वारा है और नीचे देखो कितने इतनी खाई है यार। ये देखो भाई मैं अभी 8 बज रहे हैं और ये यहाँ का मौसम है, हल्की हल्की ठंड है और मौसम भी धीरे धीरे अच्छा हो ही रहा है। मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह यहाँ पे आने का और चाय पी के जो मज़ा मिल रहा है वो भाई अल्टीमेट है, वो मैं बता नहीं सकता हूँ, वो तो फील किया जा सकता है। सो गाइस फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं और जाएंगे होटल पे नहाएंगे, उसके बाद से निकलेंगे। आज कैंपिंग फॉल निकलना है और एक दो फॉल और हैं आगे तो वो सब एक्सप्लोर करना है। अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, बहुत देर से यहाँ पे थे आधे एक घंटे से, मज़ा आया सुबह का व्यू इन्जॉय किया भरपूर और अब निकलते हैं। भाई ये रहा टॉप का क्या मतलब ऊपर वाले होटल और अपना होटल तो नीचे है, तो चलो मस्त नीचे चलते हैं। सो गाइस फाइनली अब रेडी हो गए हैं, अब निकल रहे हैं, मस्त कपड़े डाल लिए, अब बस निकलना डेट बाकी है, तो चलो चलते हैं आज की ट्रिप शुरू करते हैं। चलो तो भाई ऊपर आ गए और निकलते हैं। चलिए बस सुबह सुबह हम लोग कैंपटी फॉल के लिए निकल चुके हैं और 2-3 किलोमीटर हम लोग निकल गए अपने होटल से क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ से 13 किलोमीटर है और आधे घंटे पहुँच जाएंगे। रास्ते बहुत प्यारे हो रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है भरपूर। ओ भाई रास्ते देखो कितने सुंदर हैं, वो देखो चट्टान ही चट्टान है। सो गाइस ये देखो भाई, वाह भाई क्या अल्टीमेट व्यू है भाई, ये देखो क्या नज़ारे हैं भाई यहाँ से, भाई नो डाउट बहुत प्यारा नज़ारा है और वो रहा हमारा केम्प्टी वाटरफॉल। सो गाइस फाइनली हम केम्प्टी फॉल पहुँच के अपना स्कूटी पार्क कर रहे हैं और ये देखो ये पार्किंग है और... ये देखो यार गाइस यहाँ पे 2 व्हीलर की पार्किंग 50 रुपये की है। सो गाइस फाइनली मेन एंट्री पे आ गए हैं केम्प्टी फॉल के, अब यहाँ से हमें नीचे जाना है, तो भाई चलो चलते हैं नीचे और मस्त लग रहा है यार चारों तरफ। और ये देखो यार गाइस अभी हमें इतना नीचे और जाना है भाई, बहुत नीचे है यार। सो गाइस फाइनली पहुंचने वाले हैं, ये देखो दिख रहा है बस बस पहुंच ही गए। वाह 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 ये देखो यार गाइस फाइनली हम पहुंच गए मसूरी का द बेस्ट केम्प्टी वाटरफॉल और ये देखो भाई क्या फॉग उड़ रहा है, बेस्ट वाटरफॉल है भाई ये, और ये देखो कितना तेज धार गिर रहा है यहाँ। तो गाइस फाइनली केम्प्टी फॉल पहुँच के और उधर है केम्प्टी फॉल पीछे देखो, बैठे हुए हैं यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं इस व्यू को। बहुत भीड़ है यार वहाँ पे इसलिए थोड़ा सा बैठे हुए हैं, थोड़ा सा स्पॉट खाली हो तो वहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक कराया जाए और वीडियो भी अच्छी बने वहाँ पे। और इधर का देखो इधर जिप लाइन है, दिख नहीं रहा है इसमें अच्छे से बट वहाँ से वहाँ तक है, अच्छी जगह है मस्त लग रहा है।
इतना खतरनाक लग रहा है, लेकिन पूरी तरह से सेफ्टी है चारों ओर से। स्पेशली यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चे, और मतलब आपको थोड़ा सा अलग हट के कहीं और जाना है तो बहुत सारे और वाटरफॉल वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसके वजह से यहाँ पे लोग आते हैं गेम्प्टी फॉल। मेरा एक्सपीरियंस उतना ही बहुत मज़ेदार नहीं है, लेकिन ठीक है, मज़ा आ रहा है। तो आओ इस जगह को भी एक्सप्लोर करो, देखने के लिए आधे घंटे तो ठीक ही है, बाकी बहुत ज़्यादा देर तक आप स्टे नहीं कर पाओगे यहाँ पर, क्योंकि उतना भी मज़ेदार नहीं है मेरे हिसाब से। तो गाइस फाइनली हम केम्प्टी वाटरफॉल से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कॉर्न विलेज की ओर। भाई रास्ते तो बहुत खतरनाक है यार यहाँ के कॉर्न विलेज के, जब भी आओ धीरे धीरे ही चला के आना भाई, अगर अपनी बाइक है स्कूटी कुछ भी आ रहे हो, और बाकी कोई टूरिस्ट वाले जा रहे हो तो अपने हिसाब से ही चलाएंगे। ये देखो बस आ रहा अपने हिसाब से पूरा गर्दा गर्दा कर दिया अपने हिसाब से हम चलाएगा उसको ही थोड़ी है, रोज चला रहा है वो, अंदाज उन चला रहा है सब, हम लोगों को बच बचा चलना पड़ रहा है, 20 की स्पीड में चलना पड़ रहा है। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कॉर्न विलेज, जो कि केम्प्टी फॉल से तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और बहुत ही प्यारी जगह है यार बॉस, ये कुछ अलग है, थोड़ा सा पीसफुल जगह है। आप शहर से भीड़ भाड़ सेट के कुछ ऐसा चाहते हो तो यहाँ भी आना, केम्प्टी फॉल जब भी आना, बहुत प्यारी लोकेशन है और पीसफुल जगह, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है, मज़ा आ रहा है। चलते हैं, पहाड़ी पहाड़ है, छोटा सा गांव है और छोटे छोटे दुकानें हैं, मस्त लग रहा है। और ये देखो स्कूल है यहाँ पे एक, इसमें पढ़ाई चल रही है अभी तो फिलहाल। नीचे जाने लायक है, नीचे 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 कहाँ? अरे गांव में आपके खूब मतलब देखने लायक, घूमने लायक कुछ है? हाँ देख लो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये पानी कहाँ से आ रहा है ये वाला? साफ पानी है ना ये? तो गाइस ये दिख रहा है, एक अलग ही जगह पे आया हूँ मैं, बहुत ही अलग जगह है, बहुत प्यारे व्यू हैं और बहुत सही लग रहा है मुझे बहुत। भाई अंदर आ गए और चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे घर हैं यहाँ पे। यहाँ से देखो, वो देखो कोई आंटी कुछ रोप रही हैं, काट रही हैं, बहुत प्यारी लोकेशन है बॉस। अंदर से देखते हैं क्या है। सो गाइस ये देखो, यहाँ से अंदर आने पे मुझे ये दिखा घर के ऊपर, भाई मक्का टंगा हुआ है हर घर के ऊपर भाई। सो गाइस फाइनली पहुँच गए और ये देखो क्या कितना खूबसूरत लग रहा है भाई जिसके लिए निकले थे आखिर वहाँ पे पहुँच ही गए। मज़ेदार जगह, आना जब भी केम्प्टी फॉल तो यहाँ भी आना। ये देखो तो भाई अंदर तो बहुत मज़ा आया, अब मैं वापस जा रहा हूँ, हो गया यार बहुत देर, अब निकलेंगे वापस से केम्प्टी फॉल। तो गाइस फाइनली अब हम यहाँ से निकल चुके हैं कॉर्न विलेज से, और मज़ेदार जगह है भाई, बहुत मज़ेदार जगह है नहीं दोबारा नहीं, मतलब अलग अलग लोग हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत मज़ा आया, मैं आना चाहता था आ भी गया, और मस्त जगह है। अब वापस से जा रहे हैं, यही है कि बहुत नीचे है ये भी, तो अब देखते हैं धीरे धीरे चढ़ान ऊपर जाना, उतना ऊपर जाना। गाड़ी तो भाई धीरे धीरे चल रही है, 40 पे बधी हुई है। तो गाइस फिलहाल इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखना, बाय।